हेलो स्टूडेंट्स, अमिताभ सर हियर। देखिए, कई बच्चे जो है ना, ये असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन से बहुत डरे हुए हैं। तो हमने ये सोचा कि भाई, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के लिए मैं आपको हर एक चैप्टर का असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आज से सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करूंगा, और आज जो चैप्टर हम लोग सॉल्व करेंगे वो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। और मैं इसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आप असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर 50 क्वेश्चंस आप हर एक चैप्टर से एमसीक्यू और असर्शन रीजन बेस्ड 50 क्वेश्चंस एटलीस्ट, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट अगर आप 50 क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से सॉल्व कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा गेन हो जाएगा और आप बोर्ड्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आइए अब स्टार्ट करता हूं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 का असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। चलिए अब मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूं। आप अपने स्क्रीन में देखो, ये मेरे पास जो बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ। इसमें असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है और मैं तरीका आपको समझाता हूँ कि किस तरह से इसको आप सॉल्व करेंगे। तो असर्शन में दिया हुआ है, और मैं बताऊँ ये चैप्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो अभी अभी हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को आपने अच्छे से बहुत गहराई से पढ़ा है। तो आइए देखते हैं असर्शन में क्या दिया हुआ है। ईयर 1991 एक्सपीरियंस्ड ए यू टर्न इन इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी। भाई मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। हम सभी को पता है कि 1991 से हमारे कंट्री में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को लागू किया गया, और उससे हमारे कंट्री में जो चेंजेस आया ये सब हमने पढ़ा है चैप्टर में। इसका मतलब ये बिल्कुल ट्रू है। और इसके साथ जो रीजन दिया हुआ है, रीजन आप देखो क्या दिया हुआ है। पब्लिक सेक्टर विच वॉज गिवन प्राइमरी रोल टू प्ले इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टर्नड आउट टू बी अ डेड वेट लॉस, यानी डेड वेट लॉस मीन्स फ्लॉप, विच मीन्स दैट पब्लिक सेक्टर पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कि आप जो है हमारी इकोनॉमी को सुधार देंगे। लेकिन मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया तो उसमें बताया था कि भाई पब्लिक सेक्टर पूरी तरह से फ्लॉप रहा इस मामले में, ठीक है ना। तो इस वजह से हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज लाना पड़ा। तो यहां पे जो असर्शन था वो कह रहा था कि भाई 1991 से इंडिया की जो हालत थी ना वो बदल गई ड्यू टू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और क्यों बदल गई उसका रीजन ये कह रहा है कि पब्लिक सेक्टर जो है ना वो लॉस में रन करने लगा। बिल्कुल सही बात है, पब्लिक सेक्टर चूंकि लॉस में रन करने लगा तभी तो हमें प्राइवेटाइजेशन का ख्याल आया। हमने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को प्राइवेट सेक्टर्स के हाथों में सौंप दिया, जिसे हम प्राइवेट सेक्टर्स कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो रीजन है, ये रीजन जो है इट इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन जो आपके पास दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात है, हमने देखा कि असर्शन जो है वो भी ट्रू है, वो सही है। रीजन जो दिया हुआ है उसका वो भी सही है, और जो रीजन है दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। कैसे करेक्ट एक्सप्लेनेशन हुआ मैं फिर से एक बार बता दूं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ, रीजन में लिखा हुआ है कि पब्लिक सेक्टर भैया फ्लॉप कर गया, लॉस आ गया, वो लॉस में रन करने लगा, इस वजह से हमने प्राइवेटाइजेशन के बारे में सोचा, एंड प्राइवेटाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिससे हमारे इकोनॉमी में यू टर्न आया। सो दैट इज व्हाई दिस रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। आई बात समझ में? और ये मुझे ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 27 में आता हूं। क्वेश्चन नंबर 27 आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 इन्वॉल्व्स अ चेंज इन इंडियाज मॉडल ऑफ ग्रोथ फ्रॉम मिक्स्ड इकोनॉमी टू कैपिटलिज्म। जी बिल्कुल गलत बात है, हम आज भी मिक्स्ड इकोनॉमी है। 1991 के न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का ये कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं रहा कि हम अपने मिक्स्ड इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बदल दें।
यानी असर्शन जो है ये पूरी तरह से गलत हो गया। ये तो ठीक है ना, आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, पूरे चैप्टर में कहीं पे भी आपने पढ़ा क्या उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं मिक्स्ड इकोनॉमी से इसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में चेंज कर दूं? कभी नहीं। तो इसका मतलब असर्शन जो है ये पूरी तरह से इसका फॉल्स हो गया। ठीक है, अब रीजन क्या दे रहा है, द प्लानिंग पीरियड फ्रॉम 50 to 90 डिड नॉट टर्न आउट टू बी सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। भाई रीजन तो करेक्ट है, 1950 से 1990 तक हमने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पे बहुत भरोसा किया, लेकिन वो बिल्कुल लॉस मेकिंग अंडरटेकिंग्स प्रूफ हो गया, जिस वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ की हमें एक्सपेक्टेशंस थी वो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे यहाँ नहीं हो पाया। तो रीजन तो पूरी तरह से सही है, ठीक है ना, बट असर्शन जो है वो फॉल्स हो गया। अब मैं अपने यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया है उसमें मैं ढूंढ रहा हूँ किस में लिखा हुआ है असर्शन इज फॉल्स, तो ये डी नंबर पे लिखा हुआ है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो हमारा डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और बाकी सारे ऑप्शंस में आप अगर देखो तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, तो असर्शन तो फॉल्स है, यानी ए नंबर ऑप्शन तो होगा ही नहीं। दूसरे में लिखा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, फिर मैं बता रहा हूँ असर्शन तो यहाँ फॉल्स था, इनकरेक्ट था, तो ये ऑप्शन भी चला गया। तीसरे ऑप्शन में असर्शन ए इज ट्रू लिखा हुआ है, बट मुझे पता है इस क्वेश्चन में असर्शन फॉल्स है, इसलिए बचा डी नंबर, तो दैट विल बी दी करेक्ट आंसर। अब आप सब नंबर क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाओ, अपना फोकस क्वेश्चन नंबर 28 पे कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि भाई असर्शन लिखा हुआ है पोस्ट 1991 देयर वाज अ चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। बिल्कुल सही भाई, हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है, हमें पता है कि रोल ऑफ आरबीआई was changed from regulator to facilitator in the year 1991. What does it imply? ये regulator से facilitator हो जाने का क्या मतलब है? So आपको मैंने बताया था, it implies that after 1991, financial sector was allowed to take decisions on various matters on its own without even consulting with RBI. इसका मतलब जो फाइनेंशियल सेक्टर है, जो बैंकिंग सेक्टर है या अदर फाइनेंशियल सेक्टर्स है, उनको अब पूरी तरह से वो लोग इंडिपेंडेंट थे खुद के डिसीजन लेने में। पहले क्या होता था, उनको कोई भी डिसीजन लेना रहता था तो वो आरबीआई से कंसल्ट करता था, लेकिन 1991 में ये लिबरल कर दिया गया, इस चीज़ को हटा दिया गया। अब फाइनेंशियल सेक्टर्स जो था दे आर इंडिपेंडेंट टू टेक देयर ओन डिसीजंस, ठीक है ना। तो यहां से हमें पता चल गया कि असर्शन जो है वो बिल्कुल यहां पे ट्रू है, बिल्कुल यहां पे करेक्ट है। अब उसका रीजन क्या लिख रहा है, और मैंने पहले ही बता दिया ये जो असर्शन करेक्ट क्यों है, ये आरबीआई रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बन गया, तो क्यों बना, ड्यू टू लिबरलाइजेशन बना। अब रीजन क्या दे रहा है, लिबरलाइजेशन इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। बिल्कुल सही है रीजन, बिल्कुल सही है भाई, लिबरलाइजेशन का तो यही ऑब्जेक्टिव था कि सारा रेस्ट्रिक्शंस हर एक सेक्टर से हटा दो, है ना, हर एक सेक्टर यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर से हटा दो, फाइनेंशियल सेक्टर से हटा दो, फिस्कल सेक्टर से हटा दो और एक्सटर्नल सेक्टर से हटा दो। तो मैंने आपको समझाया था एक्सटर्नल सेक्टर मतलब फॉरेन ट्रेड सेक्टर और दूसरा फॉरेन एक्सचेंज सेक्टर। तो ये बिल्कुल सही है कि लिबरलाइजेशन के कारण ही आरबीआई जो है वो रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बन गया, यानी अब फाइनेंशियल सेक्टर्स वालों को अब आरबीआई से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहां पे मैंने देखा, आप देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, बिल्कुल ट्रू है, दोनों ट्रू है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि लिबरलाइजेशन के कारण ही आरबीआई जो है वो रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बन गया। तो आगे मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है, मुझे मिल गया इसका आंसर 28 का ए, ठीक है ना। आओ बच्चों चलो देखता हूं कुछ और क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं, ताकि असर्शन और रीजन वाला जो टॉपिक है वो आपका क्लियर होता रहे। अब मैं सम नंबर 29 में आ गया, क्वेश्चन नंबर 29 अगर आप इसको देखें तो क्या कहता है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, पोस्ट 1991 यानी 1991 के बाद, ये असर्शन है,
इंडिया हैज बिकम द मोस्ट फेवर्ड आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। भाई बिल्कुल सही है, आउटसोर्सिंग के लिए अब बाकी कंट्रीज जो है वो इंडिया को ढूंढते थे। क्यों ढूंढते थे? मैंने आपको चैप्टर के ड्यूरेशन में बताया कि भाई इसलिए ढूंढते थे क्योंकि यहाँ पे जो लेबर है वो काफ़ी सस्ते में मिल जाता था, वेरी चीप लेबर्स आर अवेलेबल, ठीक है ना। तो असर्शन हमने देखा कि दिस इज एब्सोल्यूटली करेक्ट, असर्शन हमारा करेक्ट है। अब उसका रीजन क्या दिया है? इंडिया हैज रिजर्व्स ऑफ चीप एंड स्किल्ड लेबर फोर्स। लीजिए, अभी मैं बात कर रहा था इसी का, क्योंकि इंडिया में काफ़ी चीप रेट में लेबर फोर्स मिलता है, तो रीज़न जो है ये बिल्कुल असर्शन को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, और रीज़न जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आपने देखा, आगे मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। अब मैं नंबर 30 पे आता हूँ। नंबर 30 क्या कहता है? In 1991, India approached IMF and World Bank for their loan requirements. I have explained to you in my class that 1991 में हमारी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, हमारे पास foreign reserves नहीं थे, और foreign reserves ना होने के कारण हम जो है गल्फ कंट्रीज से अपना पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं मंगा पा रहे थे, और बिना पेट्रोल के आप समझ सकते हो पूरी ट्रांसपोर्ट हमारी रुक जाती, और ट्रांसपोर्ट रुक जाएगी तो मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारा रुक जाता, तो बड़ा समस्या था इंडिया का। तो उस समय हमने क्या किया, IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन के लिए हमने एप्लीकेशंस दिया। तो ये करेक्ट है, असर्शन यहाँ पे पूरी तरह से सही है, IMF और वर्ल्ड बैंक में इंडिया ने लोन के लिए एप्लीकेशंस दिया, ठीक है, ये सही है। अब इसका रीज़न देखते हैं। तो रीज़न कहता है हाई फिस्कल डेफिसिट। भाई सही है, बिल्कुल सही है, उस समय तक 1991 में हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा हाई था, ठीक है ना, हम बहुत ज़्यादा बोरोइंग्स कर चुके थे और डेब्ट ट्रैप में हम फंसे हुए थे। क्राइसिस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा जो है वो एडवर्स था, यानी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का रिसीट्स कम था और फॉरेन एक्सचेंज का पेमेंट्स बहुत ज़्यादा था, इसलिए हमारा एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट था। डिक्लाइनिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, और इस वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है वो डिक्लाइन कर रहा था, हमारे पास डॉलर्स की कमी थी, हमारे पास पाउंड्स की कमी थी, हमारे पास येन्स की कमी थी, ठीक है ना, वर द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बाई 1990। और इन्हीं फीचर्स के कारण, चूंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की कमी हो गई थी, जैसा कि मैंने कहा और जैसा कि असर्शन में भी लिखा हुआ है कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की कमी हो गई थी, जिस वजह से हमें लोन लेना पड़ रहा था IMF और वर्ल्ड बैंक के पास, तो उसके पीछे रीजन क्या था, ये फिस्कल डेफिसिट था, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट था, एंड डिक्लाइनिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स था। यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो आपको आ रही ना बात समझ में? तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करना है, आप कम से कम 100 क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से प्रैक्टिस करके जाओ, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा गेन होगा, और आप बोर्ड्स में एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आप जा सकते हो और अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। अब मैं 31 नंबर पे आता हूँ। 31 नंबर पे क्या कह रहा है, देर वॉज रिमूवल ऑफ टैरिफ्स एंड अदर क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस विच वेयर अर्लियर इम्पोज ऑन ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है कि भाई बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस था, जैसे टैरिफ्स एंड क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस था जो कि इम्पोज किया गया था इंडिया को दूसरे कंट्री से ट्रेड करने के लिए, ठीक है ना, उन सारे रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया गया इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। बिल्कुल सही बात है, हमने पढ़ा है कि देर वॉज अ रिमूवल ऑफ टैरिफ्स एंड कोटाज। कोटा एक वर्ड मैंने बताया था, कोटाज आपको याद होगा कि भाई पहले क्या था कि आप कितनी मात्रा में इंपोर्ट करोगे, द क्वांटिटी यू विल इंपोर्ट, वो फिक्स रहता था, लेकिन अभी क्या था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में उसको हटा दिया गया, ठीक है ना। तो वही चीज असर्शन में कह रहा है कि भाई जो टैरिफ्स यानी मैंने क्या बताया था, ड्यूटीज यानी टैक्सेस, आप जब पहले इंपोर्ट करते थे तो टैक्सेस देना पड़ता था, हेवी ड्यूटीज देना पड़ता था, वो हटा दिया गया, और कोटा सिस्टम क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस बच्चों
मींस कोटा, वो सिस्टम को हटा दिया गया था। तो एसर्शन इज बिल्कुल सही। अब रीजन देखते हैं इसका क्या दिया है। देयर इज अ थीन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट। भाई ये जो असर्शन है उससे इसका कहीं कोई मेल नहीं खाता इस रीजन। हालांकि ये रीजन जो कह रहा है, रीजन भी एक तरह का स्टेटमेंट है कि देयर इज अ थीन लाइन डिफरेंस बिटवीन प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट। ये रीजन बिल्कुल सही है। आपको मैंने चैप्टर में बताया है कि प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। यानी ये रीजन तो बिल्कुल सही है, बट ये रीजन जो है वो इस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, है ना। करेक्ट एक्सप्लेनेशन उसका क्या होना चाहिए था, ये टैरिफ्स एंड कोटाज हमने क्यों हटा दिया, इसलिए हटाया ताकि हमारे यहाँ का डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो है वो अच्छे से डेवलप कर सके। यानी हम फॉरेन कंट्रीज से गुड्स ना मंगवा करके हम अपने ही कंट्री में वो सारा गुड्स प्रोड्यूस कर सके, जिसको इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता। पर ये रीजन, तो हमने यहां देखा कि असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट यहां पे जो रीजन दिया हुआ है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आई बात समझ में आपको। अब मैं नंबर 32 पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन में है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है टैरिफ्स वर इम्पोज्ड टू रेस्ट्रिक्ट द इम्पोर्ट्स ऑफ दी कंट्री। बिल्कुल सही है भाई, मैं तो बिल्कुल इससे सहमत हूं कि भाई जो टैरिफ्स है उसको इम्पोज किया गया था टू रेस्ट्रिक्ट द इम्पोर्ट्स ऑफ द कंट्री। यानी टैरिफ्स मतलब हेवी ड्यूटी, यानी हेवी टैक्सेस। अगर आप फॉरेन कंट्री से कुछ गुड्स परचेस करते थे जिसे हम इम्पोर्ट कहते हैं, तो उस वक्त आपको बहुत हेवी टैरिफ्स यानी ड्यूटी यानी टैक्सेस पे करना पड़ता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है टैरिफ्स आर इम्पोज टू रेस्ट्रिक्ट द इम्पोर्ट्स ऑफ द कंट्री। तो चूंकि हेवी ड्यूटी पे करना पड़ता था तो लोग बहुत कम मात्रा में इम्पोर्ट कर रहे थे, ठीक है ना। अब देखिए इसका मतलब असर्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अब इसका रीजन क्या दे रहा है, टैरिफ्स वर इम्पोज टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। तो कहता है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए टैरिफ्स को इम्पोज किया गया था। बिल्कुल सही बात है ना। अगर मान लीजिए कि मैं ज्यादा टैरिफ्स फिक्स करता हूं, ज्यादा टैक्सेस इंपोर्ट पे फिक्स कर देता हूं, तो लोग इंपोर्ट करना बंद कर देंगे और भाई उनके डिमांड को फिर कौन फुलफिल करेगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फुलफिल करेगा, ठीक है। तो ये रीजन भी, ये जो एक स्टेटमेंट है और वो भी मुझे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन का ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये मैं नहीं कह सकता, ठीक है ना। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब देखो तो मैंने यहां से ये देख लिया कि यहां पे असर्शन ट्रू है एंड रीजन भी ट्रू है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो पहला ऑप्शन कहता है बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये गलत है। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये सही ऑप्शन है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इज इट क्लियर? ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस और मैं आपके साथ सॉल्व कर लूं। क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन में है, आप देखिए। यहां पे कहता है गैट वॉज द प्रेडिसेसर ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एब्सोल्यूटली करेक्ट। प्रेडिसेसर मतलब कि उससे पहले, तो WTO से पहले गैट था, ये आपको अच्छी तरह से पता है। मैंने आपको क्लास में बताया है कि पहले गैट आया, फिर उसके बाद हमने WTO को लाया, ठीक है ना। और गैट का मतलब क्या होता है बाबू, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, ठीक है। गैट के बारे में और एक चीज मैं बता दूं कि गैट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1948 विथ 23 countries, 23 कंट्रीज उसमें रखे गए थे गैट में, आपको याद होगा। और WTO के बारे में मैं बता दूं वो कब फाउंड हुआ था, इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1995। अब आगे देखता हूं, तो assertion यहां बिल्कुल सही है। और फिर रीजन में दे रहा है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेटअप इन द ईयर 1992। तो यहां से ये समझ में आ गया, अभी मैंने बताया था WTO कब फॉर्म हुआ था, 1995 में।
तो assertion यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आपका जो रीजन है वो बिल्कुल फॉल्स है, और मुझे ये डी नंबर ऑप्शन, डी नहीं, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन मुझे सही लगा, assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है ना, बात आ रही है समझ में? चलिए उसके बाद मैं नंबर 35 के बारे में बात करूं। नंबर 35 में कहता है कि भाई WTO अलाउड द फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल अक्रॉस द नेशन बट नॉट ऑफ द लेबर। भाई बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये तो, मैंने आपको बताया था, इवन नोट्स में भी लिखाया था, मैं फिर से उसको एक्सप्लेन करता हूं कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है दैट अलाउड द फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल दैट इज मनी बट नॉट दैट ऑफ लेबर। लेबर का फ्री मूवमेंट वो अलाउ नहीं करता है, लेकिन मनी और कैपिटल का फ्री मूवमेंट ये अलाउ करता है। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ एक चीज और आप इसमें नोट कर सकते हैं, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल अलाउड द सेटअप ऑफ MNCs अब्रॉड एंड एक्सप्लॉइट द मार्केट्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। अभी जो फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल है, यानी कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री में अपना पैसा लगा सकता है, तो इससे क्या हो गया, मैं अगर भारत की बात करूं, इंडिया की बात करूं, तो कई सारे मल्टीनेशनल कंपनीज यहां पे फॉर्म हुए, जहां पे फॉरेन इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हमारे कंट्री में डेवलप हुए। कई फॉरेन बैंक्स आए, कई फॉरेन कंपनियां आई जिन्होंने इंडिया में पैसा लगाया। ठीक है ना, और फिर एक पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है, उसको भी मैं चाहूंगा आप नोट कर लीजिए, नो फ्री फ्लो ऑफ लेबर डिस्करेज्ड द इंडियन लेबर टू हैव फ्री एक्सेस टू ल्यूक्रेटिव इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है ना, नो फ्री फ्लो ऑफ लेबर डिस्करेज्ड द इंडियन लेबर टू हैव फ्री एक्सेस टू ल्यूक्रेटिव इंटरनेशनल मार्केट। यानी चूंकि लेबर्स फ्री नहीं थे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने का, तो इसलिए जो इंटरनेशनल मार्केट में जो आपको बहुत ज़्यादा बहुत हेवी रेट पे आपको जो वेजेस दिया जाता है या सैलरीज दी जाती है, तो उसका फ़ायदा हमारे कंट्री के लेबर्स नहीं उठा पा रहे थे। ठीक है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसका बातें हैं क्वेश्चन में वापस, क्वेश्चन में कह रहा है WTO अलाउड द फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल अक्रॉस द नेशन बट नॉट ऑफ द लेबर। बिल्कुल सही है, assertion बिल्कुल करेक्ट है। अब इसका रीजन क्या दे रहा है, आओ देखते हैं। लिमिटेड मूवमेंट ऑफ लेबर डिस्करेज द इंडियन लेबर टू हैव एक्सेस टू ल्यूक्रेटिव इंटरनेशनल लेबर मार्केट। अभी अभी मैंने इसको बताया आपको कि भाई ये जो लिमिटेड मूवमेंट ऑफ लेबर है, चूंकि WTO लेबर का मूवमेंट अलाउ नहीं करती है, फ्री मूवमेंट अलाउ नहीं करती है, इस वजह से इंडियन लेबर को इंटरनेशनल लेबर मार्केट का जो ल्यूक्रेटिव वेजेस है, सैलरीज है, उसका फायदा नहीं मिल सका। तो आपने देखा कि भाई यहाँ पे assertion भी सही है और यहाँ पे रीजन भी सही है। तो जब दोनों सही है और रीजन जो यहाँ पे दिया है, दिस इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। assertion का ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि assertion जो कह रहा था कि WTO अलाउड द फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल अक्रॉस द नेशन बट नॉट ऑफ लेबर, तो उसका ये रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है ना, तो आई थिंक ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बोथ assertion ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion ए। ठीक है ना, चूंकि फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर नहीं था, इस वजह से हमारे कंट्री के लेबर ल्यूक्रेटिव सैलरीज एंड वेजेस का लुफ्त नहीं उठा पाए। ठीक है, तो चलिए ये मैंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज का आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किया। अगले वीडियो में मैं आपके साथ पॉवर्टी का assertion एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा।